कैंसर के पेशेंट्स और कैंसर के फील्ड के वर्कर्स ने रिसेंटली वेबसाइट्स न्यूज़पेपर्स में एक नई ड्रग जिसको एनहर्टो बोलते हैं उसके बारे में बड़ी धमाकेदार चीजें सुनी होगी। इनफैक्ट एक रिसेंट कैंसर कांग्रेस जो वर्ल्ड सबकी कांग्रेस है उसमें एनहर्टो का रिजल्ट जब प्रेजेंट किया गया तो पूरे ऑडियंस ने खड़े होकर तालियां बजाई और ये मेजर एडवांसमेंट है कैंसर के केयर में। तो आइए इस नए ड्रग के बारे में हम जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, कैंसर एक रिसर्च का बड़ा हॉट फील्ड है और इनफैक्ट एवरी मंथ कैंसर का कोई ना कोई नया ड्रग न्यूज में आता है, परंतु हर न्यूज के ड्रग में इतना बज नहीं होता क्योंकि ज्यादातर कैंसर के ड्रग डिजीज का सर्वाइवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी 10% बढ़ाते हैं, 15% बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाते हैं। तो हालांकि ईच न्यू एडवांसमेंट इज स्टिल वैल्यूएबल, हर छोटे से छोटा एडवांसमेंट हमारे पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली गेम चेंज कर देते हैं। तो दीज गेम चेंजर ड्रग्स आर कॉल्ड मेडिकल मिरेकल्स और उन मेडिकल मिरेकल में से एक ड्रग की आज हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं एनहर्टू या ट्रास्टोजुमैब डेरुक्सटिकैब। तो दोस्तों, ट्रास्टोजुमैब डेरुक्सटिकैब में पोटेंशियल है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैंसर्स का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली चेंज कर दे और शायद स्टेज 4 में भी कई कैंसर्स को इनक्योरेबल से क्योरेबल में कन्वर्ट कर दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेशेंट्स इस ड्रग के बारे में जाने। ये ड्रग एट द मोमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यदि कुछ पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करने को तैयार है तो वो इस ड्रग को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक ये ड्रग इंडिया में मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं एनहर्टू के बारे में। तो नंबर वन क्वेश्चन इज कि एनहर्टू या ट्रास्टोजुमैब डेरुक्सटिकैब क्या होता है। तो दोस्तों, एनहर्टू एक नया ड्रग का टारगेटेड थेरेपी है। तो टारगेटेड थेरेपी जो पेशेंट्स हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं, ये कुछ स्पेशल तरह की दवाइयाँ हैं जो नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल को डिस्टिंग्विश कर सकती है और सिर्फ कैंसर सेल पे जाके ही उसको किल करती है और नॉर्मल सेल पे इफेक्ट नहीं करती। इसलिए ये हाईली पोटेंट और हाईली इफेक्टिव ड्रग्स है जो इफेक्टिवली कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पर नॉर्मल सेल्स को अटैक नहीं करते। तो एनहर्टू एक स्पेशल तरह की टारगेटेड थेरेपी है जो एक स्पेशल कैंसर जीन पे एक्ट करती है, उसको बोलते हैं HER2 जीन। तो दोस्तों, ये क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि HER2 जीन क्या होता है और कौन से कैंसर में पाया जाता है। तो दोस्तों, HER2 कैंसर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट एक ग्रोथ प्रोटीन होता है जिसको ग्रोथ रिसेप्टर बोलते हैं और ये कैसा रिसेप्टर होता है जो कि सेल को ग्रो करने और मल्टीप्लाई करने का सिग्नल देता है। ये नॉर्मल बॉडी में भी सब कैंसर सेल में होता है पर कम मात्रा में होता है। तो कैंसर सेल में क्या होता है, जो नॉर्मल सेल में जो प्रोटीन 1, 2, 3 मात्रा में होता है, कैंसर सेल में हजारों की मात्रा में हो जाता है और नेट रिजल्ट ये होता है कि जिस सेल को ग्रोथ सिग्नल बाहर से नहीं मिल रहा वो भी ऑटोमेटिक न्यूक्लियस को सिग्नल देता रहता है तुम बढ़ो 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 बढ़ो। तो सेल जिसको डिवाइड 1 या 2 बार करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है वो हजारों लाखों बार डिवाइड करता है और कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो HER2 एक जीन है जो नॉर्मल सेल को कैंसर में कन्वर्ट करता है, इसलिए कैंसर सेल में इसकी मात्रा ज्यादा होती है और नॉर्मल सेल में कम होती है। और कई कैंसर में HER2 जीन की म्यूटेशन पाई जाती है जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, कॉलन यानी आंत का कैंसर और गॉल ब्लैडर यानी पित्त की धमनी का कैंसर। तो इन कैंसर्स में HER2 जीन का इंसिडेंस लाइज बिटवीन 15-20% यानी 15-20% पेशेंट में HER2 जीन कॉमनली इन कैंसरों में पॉजिटिव होता है और इन कैंसरों में ही HER2 टारगेटेड थेरेपी का रोल है, यानी वो ड्रग्स जो HER2 को टारगेट करते हैं वो अच्छा काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनहर्टू में ऐसी क्या बात है जो पुराने ड्रग्स में नहीं है। तो कई पेशेंट जिनके पास HER2 पॉजिटिव कैंसर है वो ऑलरेडी HER2 टारगेटेड थेरेपी ले रहे हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में एक बड़ी ओल्ड जनरेशन की HER2 टारगेटेड थेरेपी है जिसको ट्रास्टोजुमैब या हर्सेप्टिन बोलते हैं, जो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर से अवेलेबल है। तो ऑलरेडी HER2 टारगेटेड थेरेपी मार्केट में अवेलेबल है, तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट एनहर्टू। तो बिल्कुल ये ट्रू है कि मार्केट में ऑलरेडी HER2 टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है। इनफैक्ट मार्केट में 3 जनरेशन की HER2 टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है, फर्स्ट जनरेशन जैसे ट्रास्टोजुमैब, सेकेंड जनरेशन जैसे पर्टुजुमैब और थर्ड जनरेशन जैसे TDM1, इन एडिशन टू अदर ड्रग्स लाइक लैपटनेम, निराटनेम, पाइरोटनेम, बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है जो HER2 को टारगेट करते हैं। बट ट्रास्टोजुमैब डेरुक्सटिकैब या एनहर्टू एक कंप्लीटली डिफरेंट क्लास में है। इस ड्रग की एक स्पेशल फीचर है जिसको बोलते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट। तो बाईस्टैंडर इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब ये ड्रग किसी कैंसर सेल को टारगेट करके उसके अंदर पहुंच जाता है तो ना केवल वो उस कैंसर सेल को किल करता है पर उसके आसपास के जो कैंसर सेल हैं उनको भी डैमेज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ज्यादातर अदर सेल्स में नहीं है और सिर्फ इसी पर्टिकुलर HER2 टारगेटेड ड्रग में अवेलेबल है
और इसका इम्प्लीकेशन ये है कि यदि मान लो किसी ट्यूमर में 100 सेल है और उनमें से एक सेल है जो हर2 सेंसिटिव है और बाकी सेल में NR2 से सेंसिटिविटी कम है, तो यदि NR2 उस एक सेल तक पहुंच जाए तो ना केवल वो उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा पर आसपास के बहुत सारे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि इसमें एक हाईली इफेक्टिव और पोटेंट किलिंग मशीन बना देता है जो कि रोबोट की तरह जाके सेलेक्टिवली HER2 पॉजिटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय और किल कर देता है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर में NR2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट लास्ट ईयर पब्लिश किया गया था, जिसमें देखा गया कि जो इस समय थर्ड जनरेशन टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है उससे यदि NR2 को कंपेयर किया जाए तो 4 से 5 गुना बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम इंट्रक्शन मिलता है और इनमें से कई पेशेंट्स काफ़ी हाई चांस है कि इनमें बीमारी शायद पूरी तरह खत्म भी हो जाए और जड़ से इलाज भी हो जाए, जो कि हमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप में पता चलेगा। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट है जिसकी वजह से इस ड्रग की प्रेजेंटेशन में लोग ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के डॉक्टर ने खड़े होकर पीट पीट के तालियां बजाई, क्योंकि ये हमारे पेशेंट्स के लाइफ में एक मेजर एडवांसमेंट रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा ड्रग अवेलेबल है जो बीमारी को कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक हाईली इफेक्टिव और पोटेंट ड्रग है, ऑल्दो आज के जनरेशन के टारगेटेड ड्रग्स भी बहुत अच्छे हैं पर ये उनसे भी कई गुना बेटर ड्रग है विच मेक्स इट कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अब ये जरूर पूछोगे कि यदि इस ड्रग का इतना इफेक्ट है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, तो बिल्कुल करेक्ट है, NR2 इज नॉट अ साइड इफेक्ट फ्री ड्रग, NR2 के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि करेंट जनरेशन टारगेटेड थेरेपीज में नहीं होते। तो फॉर एग्जाम्पल NR2 से देखा गया है कि पेशेंट्स पे उल्टी और डायरिया की पॉसिबिलिटी करंट जनरेशन ड्रग से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए एक केयरफुल और क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को ही बड़ी ध्यान से इस ड्रग को यूज करना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड इन साइड इफेक्ट्स के बदले में जो आउटकम है वो करंट जनरेशन ड्रग से बहुत ही अच्छा मिलता है। साथ ही NR2 के बड़ी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में क्या होता है कि फेफड़े के अंदर सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो NR2 के जो पेशेंट होते हैं उनको हमें फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी फंक्शन पर नजर रखनी पड़ती है और फ्रीक्वेंटली CTs भी कराना पड़ता है देखने के लिए कि फेफड़े का फंक्शन नॉर्मल चल रहा है, और यदि किसी पेशेंट को निमोनिया होता है तो उसको इमीडिएटली निमोनिया के ट्रीटमेंट स्टार्ट करने ताकि पेशेंट की साइड इफेक्ट से लाइफ को कोई रिस्क ना हो। तो NR2 डेफिनेटली इट इज मोर टॉक्सिक देन करंट जनरेशन ऑफ टारगेटेड थेरेपी, बट इस टॉक्सिसिटी के बदले में मच हायर इफेक्टिवनेस ड्रग से मिलती है जो बाकी ड्रग्स में अवेलेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्रग का कॉस्ट क्या है। तो दोस्तों एज ऑफ टुडे NR2 इंडिया में अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट अंडर क्लिनिकल ड्रग्स, क्लिनिकल ड्रग्स के बारे में आगे बात करेंगे। यदि आप ये ड्रग अमेरिका से इम्पोर्ट करके लगाना चाहें तो इसका बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट है, इसका एक साइकिल 8 से 10 लाख का बनता है, पर एक्सपेक्टेशन ये है कि 2023 के थर्ड या फोर्थ हाफ में या 2024 के फर्स्ट हाफ में ये ड्रग इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा, और उम्मीद ये है कि जो अमेरिकन कॉस्ट है उससे कई गुना कम कॉस्ट इस ड्रग का इंडिया में होगा और आम पेशेंट मोस्ट लाइकली इस ड्रग को एक्सेस कर पाएगा। तो अभी के लिए हमें वेटिंग करना पड़ेगा ताकि ये ड्रग इंडिया में है। परंतु यदि आपको HER2 पॉजिटिव कैंसर है और आप NR2 को एक्सेस करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया में इस समय बहुत सारे NR2 में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं जिनका मेन फोकस है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और स्टमक कैंसर। तो यदि आपको HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर या स्टमक कैंसर है तो इन ट्रायल्स में भाग लेके आप NR2 को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो एज ऑफ टुडे विच इज April 2023 दिस इज द स्टेट ऑफ एबिलिटी ऑफ NR2, पर नए ड्रग में चीज़ें रैपिडली चेंज होती है तो मोस्ट लाइकली ओवर टाइम में ड्रग की अवेलेबिलिटी भी चेंज होगी, हो सकता है नए ट्रायल स्टार्ट हो जाए या हो सकता है ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल हो जाए। तो यदि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन और NR2 की अवेलेबिलिटी के लिए चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जस्ट एज अ कंक्लूजन, NR2 कैंसर के ट्रीटमेंट में एक मेजर अनाउंसमेंट है। जिन पेशेंट्स को HER2 पॉजिटिव कैंसर है ये लाइकली उन पेशेंट्स में गेम चेंजर रहने वाला है और वाइड स्प्रेड यूज के साथ पेशेंट का आउटकम ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकता है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मुझे उम्मीद है कैंसर पेशेंट को इस वीडियो से यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों हमारे वीडियो का और हमारे चैनल का मेन पर्पज ये है कि वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे पेशेंट्स को उनकी भाषा में एज सून एज पॉसिबल मिले। यदि आप इस मिशन में उनसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि इस वीडियो में रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए सॉल्व नहीं कर पाया हूँ तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।